दोस्तों मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जरताज गुल रो पड़ी अपनी नाजेबा हरकतों की वजह से। आइए जानते हैं इन सब की वजह क्या है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के निशान को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हरीम शाह ने दावा किया था कि उनके पास एक खातून वजीर की भी वीडियो है जो कि वो बहुत जल्द मीडिया पर वायरल करेंगी, और वो खातून वजीर कोई और नहीं बल्कि पीटीआई की जरताज गुल हैं। और जरताज गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी चंद वीडियोस उनके पास हैं और मुझे नहीं पता उनके पास मेरी वीडियोस कैसे गई, ये किसी वजीर ने उनको दी हैं और अब वो मुझे ब्लैकमेल करती हैं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भोला रिकॉर्ड ने भी एक वीडियो वायरल की है हरीम शाह की। अब हरीम शाह का कहना है कि भोला रिकॉर्ड ने मेरी वीडियो वायरल की है तो मैं सारे वजीरों की वीडियो वायरल करूंगी और सारों के राज फाश करूंगी, जिनमें से जरताज गुल पहले नंबर पर आ रही हैं। तो इसी दौरान जरताज गुल ने ARY न्यूज से बात करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया और कहा कि हुकूमत मेरी हेल्प करे, मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई या मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरी अपनी पर्सनल जिंदगी की वीडियो हरीम शाह के पास है। तो दोस्तों जरताज गुल ये कहकर रोने लगी। अब हरीम शाह का कहना है मैं फवाद चौधरी और जरताज गुल की वीडियो बहुत जल्द वायरल करूंगी। दोस्तों भोला रिकॉर्ड ने भी हरीम शाह की एक वीडियो वायरल की है। दोस्तों हरीम शाह कहती हैं कि ये सब झूठ और बकवास है और वो मेरी वीडियो नहीं है, और भोले को कहा कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो दोस्तों हरीम शाह का दावा है कि उनके पास शाहिद खान अफरीदी की भी वीडियो है जो कि वो भी वो वायरल करेंगी, और जरताज गुल और फवाद चौधरी की भी वीडियो वायरल करेंगी। अब दोस्तों हम सबको इंतजार है कि हरीम शाह पहले किसकी वीडियो वायरल करती हैं, और हैरत अंगेज बात यह है कि आखिर क्यों हुकूमत कुछ नहीं कर रही। वैसे हरीम शाह पर FIR भी कटवा चुके हैं कुछ हुक्मरान और अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। दोस्तों साकिब राय का कहना है कि फवाद चौधरी और एक वजीर खातून है जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया था, उनकी वीडियो हरीम शाह के पास है, लेकिन अब उनका नाम भी सामने आ गया है और वो खातून और कोई नहीं जरताज गुल हैं। और अब दोस्तों देखना है कि हरीम शाह क्या चाल चलती हैं और कैसे ब्लैकमेल करती हैं वजीरों और हुक्मरानों को। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अरेबियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के निशान को ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपकी कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।